हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सीमा पुंडीर। चलिए आज कुछ ज्ञान के बारे में कुछ बात करते हैं। ज्ञान यानी कि नॉलेज वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा यानी कि डिविडेंड हमें जीवन के अंत तक मिलता है। मेरा ये मानना है कि सामान्य जीवन जीने के लिए हमें रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। इन चीजों के अलावा जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा नीड यानी आवश्यकता होती है वो है नॉलेज यानी कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा, ज्ञान। एनीवन कैन बी स्टील, मतलब कुछ भी चोरी हो सकता है, जैसे कि पैसा, धन दौलत, गहने, कपड़े, लेकिन बट एजुकेशन कैन नॉट बी स्टील। लेकिन एजुकेशन को कोई चुरा नहीं सकता, उसकी कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर मैं पूछूं कि सबसे पावरफुल यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति कौन है तो आप सब क्या कहेंगे? कोई कहेगा कि जिसके पास धन दौलत है, पैसा है, वो सबसे धनी व्यक्ति है, या कहीं का राजा, कहीं का साम्राज्य जो राजा होता है उसको बोलोगे, या जिसके पास वेपन्स यानी शस्त्र हैं वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। पर मेरा ये मानना है कि धन दौलत ये सब चीजें आनी जानी है, मतलब कुछ समय के लिए ही हमारे पास रहती है। हर समय तुम्हारे पास धन दौलत नहीं रह सकती, और इसी तरह शस्त्र भी कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके पास आपको शक्तिशाली बनाते हैं। वन इट इज यूज्ड इट बिकम ऑब्सोल्यूट, यानी एक बार उसका यूज कर दिया तो वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन शिक्षा यानी कि एजुकेशन हमारे जीवन के अंत तक काम आती है। अगर मैं कहूँ कि कितने राजाओं ने हमारे देश पर राज किया, ये किसी को भी याद नहीं होगा। पर अगर मैं ये पूछूँ कि जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, ये सब को पता होगा, सब इसका उत्तर बता सकते हैं। अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले सारे संसार में हमेशा पूजे जाते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर। इसलिए ज्ञान यानी नॉलेज की का धनी व्यक्ति जिसके पास नॉलेज या ज्ञान होता है वो हमेशा सम्मान प्राप्त करता है। नेवर स्टॉप लर्निंग, कीप लर्निंग, ऑलवेज अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, जो जीवन के अंत तक चलती है, इसे कोई भी चुरा नहीं सकता। आई होप आपको ये छोटा सा जो मैंने आपको स्पीच दी है आपको समझ में आई होगी। इससे हमें इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज पता लगती है, इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एजुकेशन पता लगती है। थैंक यू सो मच।